आए पर दुरुस्त आए कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि अब सुशांत का केस नहीं रहकर ये एक ईगो का केस बनता जा रहा था। जिस प्रकार से मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ बर्ताव कर रही थी, वो देखते हुए साफ साफ लग रहा था कि अब ये सुशांत की डेथ का केस नहीं होकर दो स्टेट के पुलिस का ईगो का केस बनता जा रहा है, और ऐसे में कुछ भी जस्टिस के लिए नहीं हो सकता था। तो थैंकफुली आज ऐसा लग रहा है कि हमारे भीतर एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब सीबीआई जांच शुरू होगी। पर अभी बात ये उठता है कि सीबीआई जांच मुंबई पुलिस के सहयोग के साथ ही होने वाला है, क्योंकि जो इनिशियली जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं वो मुंबई पुलिस ने किया है। तो प्रार्थना है मुंबई पुलिस से और उम्मीद है उनसे कि जो व्यवहार उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया है वो सीबीआई जांच में नहीं करेंगे और पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। अब इस केस का रूप और नहीं बदला जाएगा, उसकी तस्वीर को बदल कर हमें नहीं दिखाया जाएगा। जिस तरीके से सुशांत के केस को एक प्रोफेशनल एंगल दिया गया, फिर उसे डिप्रेशन का एंगल दिया गया, और फादर जब आए तो फिर पूरी तस्वीर ही बदल गई कि ये तो पर्सनल एंगल भी है जिसको नज़रअंदाज कर दिया था पुलिस ने, उस ओर देखा भी नहीं, और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल रूप लेता गया। उम्मीद है कि अब इस केस में पॉलिटिक्स नहीं बल्कि छानबीन शुरू होगी। हर डिपार्टमेंट, हर वो लोग जो केस से जुड़े हुए हैं वो सहयोग करेंगे, और अगर अब भी इस तरीके व्यवधान पैदा की जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से, तो मुझे लगता है अब इन्वेस्टिगेशन का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि क्यों इस तरीके से इस केस को उलझाया जा रहा है, कौन है जो इस तरीके का लुका छुपी का खेल खेल रहा है और किसको बचाया जा रहा है, ये सारी बातें अब खुलकर आनी चाहिए। अब इसमें सिर्फ सुशांत की मौत का सच सामने नहीं आने वाला है, मुझे लगता है और भी बहुत सारी सच्चाइयां जो सामने आएंगी, और ये सारी जो सवाल हमारे भीतर आया है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया की वजह से आया है। जिस तरीके का व्यवहार रहा है आपस में, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, सहयोग नहीं रहा है, उस वजह से हम आम पब्लिक के भीतर बहुत सारे सवाल आए हैं, जिसका मुझे लगता है कि अब जवाब सीबीआई जांच के दौरान ही आएगा और बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जांच में तेजी आएगी और हम एक परिणाम तक पहुँचेंगे, और अब इस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अब तक सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत विश्वास है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा और हम सबके मुंह पर एक चुप्पी छाएगी सच जानने के बाद। जो भी सच है हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पर बशर्ते वो सच हो। अब आम पब्लिक से कहूँगी कि बस प्रार्थना ही करें, क्योंकि हमें जितना आवाज़ लगाना था, आवाज़ उठाना था, हम कर चुके हैं। अब हमें प्रार्थना की ज़रूरत है कि ईमानदारी से और सच्चाई से इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो। धन्यवाद।